नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कैसे आप इजीली स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हम लोग को मार्केट को छोड़ना कब है, मतलब एग्जिट कहाँ पर करना है। हम लोग एंट्री तो सही जगह पर ले लेते हैं, बट सही जगह पर मार्केट को छोड़ नहीं पाते, और इसका चक्कर में जितना प्रॉफिट हम लोग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो इसीलिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस मार्केट में बिगिनर्स हैं और आप एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, ट्रेड तो बहुत बंदा करता है, कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत बंदा ट्रेड करता है, उसमें से कुछ बंदा प्रॉफिट कर रहा है, मैक्सिमम लॉस कर रहा है। तो मार्केट को जो देखने का नज़रिया है वो सबका अलग है, और वही एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो किस हिसाब से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, मैं किस हिसाब से मार्केट को देखता हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ये जो ब्लू कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। ऊपर में डेट एंड टाइमिंग दिखाई देगा। देखिए, इस कैंडल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आज को 31 तारीख है, 9:20 का फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ब्लू है, ब्लू कैंडल का मतलब ये है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल पर कॉल मिलने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगले दिन का जो कॉल चल रहा था उसका ऑपोजिट कॉल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, ये जो रेड कलर का एरो, ये आपका सिग्नल है, और जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है 44276 में सेल करना है, ऊपर में स्टॉप लॉस, नीचे में T1 T2 टारगेट। अब क्वेश्चन ये है, जो सिग्नल तो बन चुका है, ये सिग्नल को कन्फर्म करेंगे कैसे? पहले तो आपको तीन कंडीशन देखना है, कॉल कितना सही है या गलत है। तीन कंडीशन में से एक है, नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे का रिबन रेड है, मतलब यहाँ पर मेरा फर्स्ट कंडीशन मैच है। सेकंड कंडीशन, सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का एक स्टार बना है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जिसे मैं ब्रिक्स ब्रेकआउट कहता हूँ, देखिए नीचे में जो रेड कलर का बार जैसा दिखाई दे रहा है, ये ब्रिक्स होता है, और ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आना चाहिए। तो ये तीन पैरामीटर आपको कंफर्म कर रहा है जो आपका कॉल वाकई सही है या गलत है। तो कंडीशन के हिसाब से कॉल सही था। अब सुबह को मन में थोड़ा सा डाउट मेरा भी आया था, रीज़न एक ही है, जो मार्केट में नीचे का तरफ उतना स्पेस नहीं था। मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था ऑलरेडी ब्रेकडाउन जोन को हिट कर दिया था, और उसका नीचे ही सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट में नीचे का तरफ रेंज नहीं है। तो यहाँ पर आके एक ट्रेडर को सोचना है, देखिए कॉन्फिडेंसली कॉल तो मिल चुका है, बट मार्केट में लेवल है या नहीं है ये भी देखना है। तो लेवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो नीचे का तरफ है, तो ऐसा केस में क्या कीजिएगा? ट्रेड नहीं कीजिएगा, नॉट लाइक दैट, ट्रेड कीजिए बट क्वांटिटी कम कीजिए। मतलब मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो वहां पर अपना क्वांटिटी को कम कीजिए, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए छोटा मोटा लॉस हो, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सोचिए, अब यहाँ पर एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, जैसे ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर होकर देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया, तो ये एक संकेत है, एक संकेत है जो शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो देखिए, जो बंदा सेल कर रहा है तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में या मिनिमम प्रॉफिट में ही वो निकल रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर प्रॉफिट नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, बस लॉस ज़्यादा नहीं हो। अल्टीमेट देखिए, ब्रिक्स इस कैंडल पर ब्रेक करके ऊपर चला गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ बोलूंगा, ये जो येलो लाइन है ये क्या चीज़ का काम है? देखिए, येलो लाइन यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, कि येलो लाइन को इस जगह पर मार्केट पर हिट किया, और उसके बाद येलो लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ से दोबारा रिवर्स बैक कर गया नीचे की तरफ। मिडिल का दोनों लाइन जो ग्रीन हुआ था, देखिए दोबारा क्रॉसओवर होके पिंक हो गया, और अगर आप नोटिस करेंगे इस टाइम ब्रेक्स जो ऊपर गया था वो भी नीचे आ गया। तो यहाँ पर आप दोबारा री एंट्री मार सकते हैं। तो जो बंदा यहाँ पर निकल दिया था, ऑब्वियसली निकलना यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होगा पता नहीं है, रिवर्स हो जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ लेवल नहीं था। तो अगर आप यहाँ पर निकल जाते तो यहाँ पर दोबारा री एंट्री करके यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये हम लोग का सॉफ्टवेयर का सबसे प्लस पॉइंट है, अगर मार्केट रिवर्स हो जा रहा है तो निकल जाएगा सही जगह पे, और दोबारा अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है तो आप दोबारा री एंट्री करके पैसा बनाएंगे। अल्टीमेट देखिए, यहाँ पर निकल के फिर यहाँ पर एंट्री लेके हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिए।
फाइनली देखिए यहाँ पर बाय का कॉल बना। अभी बाय का कॉल में नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना था कि स्टार यहाँ पर बना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब तक स्टार नहीं बना तक मार्केट में कोई मोमेंटम भी आपका नहीं हुआ था। इस कैंडल तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, जहाँ जहाँ से स्टार बना वहाँ से एक लंबा रैली मिल गया। ग्रीन डॉटेड लाइन ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका मिनिमम टारगेट है, और इसका बाद आपका ब्रेकआउट लेवल, ये जो ब्रेकआउट जोन है ये आपका सेकेंड लेवल है। तो देखिए इतना ऊपर मार्केट ले जाने का कोशिश कर रहा है, मार्केट अभी भी खत्म नहीं हुआ है बट वो टान रहा है, इसका मतलब है मार्केट का तरफ, मार्केट में ऊपर का तरफ लेवल है। तो यहाँ पर मैं मेरा लॉट को ज़्यादा करके प्रॉफिट बनाने का ज़्यादा कोशिश करूँगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रॉफिट कहीं पर भी बनाइए, यहाँ पर भी बनाऊंगा, यहाँ पर भी बनाऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि लेवल नीचे का तरफ नहीं था, छोटा क्वांटिटी का साथ खेलूंगा, यहाँ पर क्वांटिटी बना के ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इस हिसाब से चार्ट को फॉलो करना है। मार्केट में मौका तो बहुत देता है, सही वक्त के लिए वेट कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं। 100% रिजल्ट कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं देगा, अगर आप, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है जो हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है मार्केट, तो ही जाके यहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट को ट्रेडर छोड़ देता है, जहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाता है, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया जो हाँ इस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो आप पैसा जरूर बनाएंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप इस मार्केट में न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएस ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा। तो चलिए कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अगर इस मार्केट रिलेटेड आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ओपन कीजिए, कुछ दिन मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर आप कंटिन्यूअसली मेरा वीडियोस को 1 महीना फॉलो करते हैं तो होपफुली आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो हाँ इस मार्केट में पैसा कैसे बनाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।